पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर उनकी हत्या की नई साजिश रचने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि जरदारी आतंकवादियों को पैसे देने और देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। जमान पार्क स्थित अपने आवास से वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के सह अध्यक्ष जरदारी के साथ तीन और नाम है जो इस नई साजिश का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो देश को उन लोगों के बारे में जान लेना चाहिए जो इसके पीछे हैं, ताकि देश उन्हें कभी माफ ना करे। इमरान खान ने कहा कि अब उन्होंने एक प्लान सी बनाया है और इसके पीछे आसिफ जरदारी है। इनके पास भ्रष्टाचार का काफी पैसा है जिसे वो सिंध सरकार से लूटते हैं और चुनाव जीतने पर खर्च करते हैं। उन्होंने एक आतंकवादी संगठन को पैसा दिया है और शक्तिशाली एजेंसियों के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। ये तीन मोर्चों पर तय किया गया है और वो जल्द ही कार्रवाई करेंगे। खान का दावा सरकार की ओर से उनके लाहौर स्थित आवास से उनकी अतिरिक्त सुरक्षा वापस लेने के बाद आया है। सरकार के इस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि इमरान खान के आवास पर तैनात कम से कम 275 पुलिस कर्मियों को हटा लिया गया है। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के कर्मियों को वापस बुला लिया गया है और अब उनकी सुरक्षा के लिए केवल पंजाब पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इमरान खान ने कहा, इससे पहले एक सार्वजनिक रैली में मैंने अपने समर्थकों से कहा था कि चार लोग थे जिन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मैंने खुलासे किए तो वो सभी पीछे हट गए। उन्होंने कहा, फिर धर्म के नाम पर मुझे खत्म करने के लिए एक प्लान भी बनाया गया। खान ने वजीराबाद में अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र रखा और कहा, लेकिन मुझे उसके बारे में पता चला और मैंने दो सार्वजनिक रैलियों में उनकी साजिश का खुलासा किया। 3 नवंबर को खान के दाहिने पैर में तब गोली लग गई थी जब वजीराबाद क्षेत्र जो लाहौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है उनके मार्च के दौरान बंदूकधारियों ने उन पर और कंटेनर पर खड़े अन्य लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। इमरान खान ने पूर्व में इस साजिश के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्ला और ISI के मेजर जनरल फैजल नसीर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस बीच पीपीपी ने खान के आरोपों को खारिज किया है और घोषणा की कि वो इस मुद्दे पर अदालत जाएंगे।